गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आर टूडेज टॉपिक इज वर्ब. एज यू ऑल नो दैट वॉट इज अ वर्ब. वर्ब इज अ डूइंग वर्ड्स. वी ऑल्सो से दैट वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स ऑल्सो. सो वॉट इज अ वर्ब? देर इज अ डेफिनेशन. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन स्टेट और एन इवेंट. कोई भी वर्ब जो होता है वो ऐसा वर्ड हम बोलते हैं जो कि क्या शो करता है, या तो एक्शन शो करता है या स्टेट, कोई भी स्टेट उसकी, और या कोई इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, दे स्टडी इंग्लिश ग्रामर विच शोज अ एक्शन, एंड वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विच शोज इवेंट, एंड आई स्लीप एट नाइट विच शोज अ स्टेट. सो देर आर अ टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वी हैव रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss regular verb. Those verbs that form their past participle with d or ed are regular verbs. Regular verbs होते हैं जिनके पीछे हम d या ed लगा के उनकी changes करते हैं. उसके अंदर जैसे मैंने आगे लिखा, these verbs do not undergo substantial changes while changing between tenses. Tenses के अंदर, इनके अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं आती है, कोई ज्यादा जिसको हम बोलते हैं सॉलिड चेंज नहीं होती है. सिर्फ हम डी और ईडी लगा देते हैं. इसके अंदर मैंने पास्ट पार्टिसिपल को ये डिस्क्राइब करा है कि दैट डिस्क्राइब्स, जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जो उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट के अंदर हुआ. ठीक है. सो अगर आप रेगुलर वर्ब बात कर रहे हो तो रेगुलर वर्ब दीज वर्ब दैट फॉर्म देयर पार्टिसिपल विद डी और ईडी, विच रेगुलरली हम यूज करते हैं उनको, और कोई सबसे ज्यादा चेंजेस नहीं होती उसके अंदर. इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको एक इसके अंदर ये होता है कि स्पेलिंग्स हमारे कैसे होने चाहिए. इफ द वर्ब एंड्स विद अ वॉवल ओनली डी इज एडेड. फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट टेंस अगर हमारे पास है तो हम शेयर, शेयर्ड. यहां पे हमारे पास एंड्स विद अ वॉवल, एनी वॉवल. वॉवल तो हमें पता ही है क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू. ओके, तो हमारे पास अगर वॉवल से एंड होता है तो हम सिर्फ डी एड करेंगे उसके अंदर. ओके, नाउ स्केयर, स्केयर्ड, डेयर, डेयर्ड. ये एग्जाम्पल है जो मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया है उसका. नेक्स्ट है इफ द वर्ब एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट. ओके, इफ द वर्ब एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट देन क्या एड करेंगे हम, ई डी. यहां पे मैंने क्या बोला था कि अगर वर्ब, कोई भी वर्ड है वो वॉवल से एंड होता है तो हम डी एड करेंगे, अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट से एड होता है तो हम ई डी एड करेंगे. ओके, देर आर सो मेनी रूल्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक जो मैं आपको एक अलग से लेक्चर में समझाऊंगी, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे अब आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि इनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, आप फेमिलियर हो इनके साथ, कोई आपको, आपने ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो. सो आप इन वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो. जो बेस फॉर्म होता है किसी वर्ब का उसको एड बोलते हैं, और एडेड और एडेड. एड और सिंपल पास्ट उसका क्या बन जाएगा, एडेड, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, एडेड. बोरो, बोरड और बोरड, यही रूल हम कर रहे हैं. देन देर इज अ स्टॉप, स्टॉप हो गया, और सॉरी क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप्ड. यहां पे हम डबल पी करेंगे. ये कैसे होता है कि जब हमारा हमारे पास यहां पे वॉवल आता है बीच में, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सी वी सी आ जाता है, सी वी सी, और वन सिलेबल वर्ड होता है, स्टॉप, क्लैप. जैसे हम अगर ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटीफुल में हमारे पास टू सिलेबल वर्ड होएगा. ओके, सो टू सिलेबल वर्ड हमने नहीं लेना है, हमने यहाँ पे वन सिलेबल वर्ड लेना है, और वन सिलेबल वर्ड हो और लास्ट जो इसका सी वी सी हो, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट. ओके, तो ये तो हम क्या करेंगे, हम डबल लगा देंगे उसका, लास्ट जो वर्ड है उसको डबल कर देंगे. मैं आपको एक अलग से, मैंने बोला मैं आपको समझाऊंगी, ये स्टॉप, 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 तो उसके अंदर भी हम डबल पी लगाते हैं, क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप्ड भी. हमें ऐसे ही डैमेज, ई है तो हम लास्ट सिर्फ डी लगाया. ओके, एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश हमारा लास्ट जो वर्ड है, लास्ट जो हमारे पास हम लेटर लिख रहे हैं वो लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, एंड वी आर पुटिंग ई डी. ओके, एट द एंड. आइडेंटिफाई, Now there is a Y at the end. Y at the end. And we are putting a fired. We change a Y into IED. IED.
identify, identified, identified. And one more example, study, studied, studied. Kill, killed, and killed. Okay, often, offended, offended. Question, questioned, questioned. Warn, warned, warned. Yell, yelled, yelled. There are so many regular verbs which you can use in your writing. You have to learn these verbs, these regular verbs. Because in a one sentence, we have a subject and verb always present. So, aapne koi bhi vocab yaad karni hai, aapne likhna hai, to you have to learn these regular verbs. Okay, these verbs also help you in your tenses also. Okay, so you have to learn it. And our second verb is irregular verb. Irregular verbs that undergo substantial changes. Iske andar hamare paas bilkul hi change hote hain ye. Iske andar hum ye nahi hai ki put kar denge d ya ed put kar denge to wo uski change ho jayegi. Iske andar hum substantial एनी सॉलिड चेंजेस होते हैं इसके अंदर. विन चेंजिंग बिटवीन टेंसेज आर इरेगुलर वर्ब. टेंसेज के अंदर हम जब इसको यूज करते हैं, वन टेंस टू सेकेंड टेंस बनाते हैं, तो हमारे पास इसके अंदर कोई ठोस चेंजेस होती हैं, सॉलिड चेंजेस जिसको हम बोलते हैं. प्रेजेंट टेंस, लाइक प्रेजेंट टेंस गो है, तो उसका पास्ट क्या बन जाएगा? वेंट. ठीक है, हम गोड नहीं लगा सकते या हम डी लगा के तो वर्ड ही चेंज हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? गो बिकम्स अ वेंट, रन बिकम्स अ रैन, थिंक thought, be, was. So you have to learn these form of verbs. इसका एक ही तरीका होता है कि आप इनको learn करो. But आपने ध्यान रखना है, एक हमारे पास adjectives भी होते हैं जो मैंने last time आपको last lecture में पढ़ाए थे, उसके अंदर भी adjective. कई बार हम confuse होते हैं इनके अंदर. जो verb होता है वो एक action word होता है. कोई भी sentence के अंदर कोई work कर रहा है तो अगर हम उसके लिए कोई word use करते हैं तो we are saying a action words, which is a verb. Okay, so we have to learn these regular verbs. Base form is be, is mr या आ जाता है. be verb कौन सा होता है? is mr. and was verb, and the third past participle is beens. And the become, became, become. Bring, brought, brought. Cut, cut, cut. Do, did, done. Fly, flew, flown. Teach, taught, taught.